बहुत दिनों से संदीप सिंह का नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने नहीं आया है, लेकिन अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संदीप सिंह को भी अपना सम्मन भेजने वाली है। सुनने में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कुछ पैसा संदीप सिंह के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ था। हालांकि एक बात यह भी है कि ऐसी भी खबरें थी कि ये दोनों साथ में मिलकर एक फिल्म बनाने वाले थे, तो हो सकता है पैसे का ये लेन देन उस फिल्म के लिए किया गया हो। लेकिन अब ईडी का संदीप सिंह को बुलाना कई और राज पे से पर्दा उठा सकता है, और हो सकता है कि ईडी उनसे उस दिन के बारे में भी सवाल करे जिस दिन के बारे में उनके बयान अलग अलग रहे हैं। जी हाँ, 14 जून के बारे में संदीप सिंह ने कहा कि वो अपने घर पे थे, एक जगह कहा वो अपने दोस्त के साथ थे, दोस्त के घर पे थे, और एक जगह जो भाजपा नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि वो उनके घर पे थे। तो बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स निकल के आ चुके हैं। असल में कहाँ थे संदीप सिंह, इसका भी हो सकता है ईडी उनसे पूछे कि भाई आप तो अलग अलग वर्जन दे चुके हैं, आखिर आप थे कहाँ और आपको कहाँ सूचना मिली और कितने दिन पहले आप आखिरी बार मिले थे। हालांकि संदीप सिंह ने कहा है कि वो बहुत लंबे वक्त से उनके टच में नहीं थे, तो ये भी देखना होगा कि किस दौरान ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और ये पैसा कितना है। क्या ये फिल्म के संबंध में था या उनका कुछ पर्सनल लेन देन था, क्योंकि जैसा कि संदीप सिंह दावा करते रहे हैं कि वो दोस्त हैं, तो बहुत सारी बातें संदीप सिंह से भी ईडी को पता लग सकती हैं। क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो कभी पूछताछ की ही नहीं संदीप सिंह से, तो संदीप सिंह खुद ही बता चुके हैं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया ज़रूर था लेकिन कैजुअल बातचीत करके छोड़ दिया, कहीं कोई हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं लिए। अब ये पहला मौका होगा जब इस पूरे मामले में एक ऑफिशियल पूछताछ संदीप सिंह से होगी, और संदीप सिंह एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे राज उनको पता हो। हालांकि उन्होंने बहुत शुरुआत में ही जब मीडिया से बातचीत हुई थी तो बहुत से लोगों को उन्होंने क्लीन चिट देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से वो विवादों में आ गए थे और उसके बाद से फिर उन्होंने मीडिया से बात करना भी बंद कर दिया था। उसके बाद जब वो अर्नब के शो में दिखाई दिए तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए कि आखिर वो घटना के दिन थे कहाँ। अब फिलहाल जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बुलाकर पूछताछ करेगा तो उनसे सारी बातें पूछी जाएंगी कि 14 जून को आप कहाँ थे, आखिरी बार कब मिले सुशांत से, ये जो पैसा लिया था इसका ये किस मद में लिया गया था, और क्या इससे पहले भी कोई लेन देन हुआ है। ये सारी बातें हैं जिनसे पर्दा उठना ज़रूरी है, और संदीप सिंह अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि कुछ अपने पास रखते हैं ऐसी बातें जिनका जानना ज़रूरी है, तो हो सकता है सीबीआई भी, जब मुंबई आएगी सीबीआई की टीम, तो वो भी संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है।